नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बहुचर्चित के ऊपर। और आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं हू आई एम के ऑफिशियल ट्रेलर का, जो कि एक हिंदी मूवी है और 27 जनवरी को रिलीज होने वाली है 2023 में ही। 6 जनवरी को इसका ट्रेलर रिलीज हुआ था और जिसका आज हम लोग रिव्यू करेंगे, जिसके बारे में बात करेंगे। ये कहानी है एक फिलोसफी स्टूडेंट की। असल में ये किताब है, नोवेल है, को अहम, जो अशोक जमनानी जी ने लिखी हुई है और उनकी इस बुक पर आधार है ये मूवी, जिसके अंदर एक फिलोसफी स्टूडेंट है और उसे कई तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, तो वो उन क्वेश्चंस को ढूंढने निकल जाता है और ये क्वेश्चन उन्हें दिशा देते हैं इंट्रोस्पेक्शन करने का, अपने अंदर झांक के देखने का, सेल्फ डिस्कवरी करने का। और फिर वो एक जर्नी पर निकल जाते हैं सेल्फ डिस्कवरी के, अलग अलग वंडरिंग्स उन्हें वहां पर देखने के लिए मिलते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें जिनके बारे में वो नहीं जानते उन्हें पता चलती है। और फिर ह्यूमन कंडीशन क्या होता है, उनका डेथ से क्या रिलेशन होता है, मरने के बाद क्या होता है, या मरते क्यों हैं लोग या फिर जीते क्यों हैं लोग, इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने वो निकल पड़ते हैं। और उनके साथ एक शॉट होता है नर्मदा रिवर पर। अब वो क्या है, उन्होंने क्या डिस्कवरी की, क्या एक्सपीरियंस लेते हैं, इन सभी के बारे में ये मूवी होने वाला है, जो कि काफी एक्साइटिंग है और पहले से ही इसे कई रिकॉग्निशंस मिल चुके हैं। मूवी वैसे लोगों को, आम जो लोग हैं जो मास थिएटर मूवीज देखना, मतलब थिएटरिकल एक्सपीरियंस के बारे में मूवीज देखना पसंद करते हैं, उन्हें शायद ये पसंद ना आए, उन्हें शायद इसमें इंटरेस्ट ना आए। लेकिन जिन्हें दिमाग से सोचना पसंद है और जिनके ये इक्वल क्वेश्चंस मन में होते हैं, तो थोड़े बहुत स्पिरिचुअल काइंड ऑफ इंसान है, वो इसे पसंद जरूर करेंगे। आप मेरी बातों से सहमत है या नहीं, आपने ये ट्रेलर देखा या नहीं, देखना चाहते या नहीं, सब कुछ हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी और वीडियो में। जय हिंद।